हाय फ्रेंड्स, मोहन सर की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने किस परिस्थिति का सामना करके एडमिशन किया था यह बताया था। अब देखते हैं कि मेरा कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा। दोस्तों, खुशियों की गलियों से गुजरे अरसा हो चला था, खुशियों की गलियों से गुजरे अरसा हो चला था, शुक्र है कि खुशियों के मकानों में जाले नहीं लगते। तो दोस्तों, उस दिन रात को काम पर से आने के बाद बाकी के लोग सुबह सो गए और मैं नहा धोकर कॉलेज के लिए निकल पड़ा। कॉलेज शुरू होने का समय सुबह 7 बजे का था। कॉलेज थोड़ा दूर था और पैदल जाने में कम से कम आधा घंटा लग जाता था। बाकी लोग बस से जाते थे, मगर मैंने पैसे बचाने के लिए पैदल ही जाने का फैसला किया था। कॉलेज का पहला दिन था, मैं लगभग 7 बजे कॉलेज पहुंच गया। बाकी के बच्चे भी वहीं पर खड़े एक दूसरे से बात कर रहे थे। मेरे लिए सब कुछ नया था, कोई भी मेरे पहचान का नहीं था, इसलिए मैं चुपचाप एक बाजू में जाकर खड़ा था। तभी प्रेयर के लिए घंटी बजी और सारे विद्यार्थी अपनी अपनी क्लास की ओर जाने लगे। मुझे मेरी क्लास का पता नहीं था, इसलिए मैंने एक लड़के से पूछा कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स कहाँ बैठते हैं। तब उन्होंने इशारा करके बताया और मैं उस क्लास में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद क्लास में एक टीचर आई जिनका नाम था सीमा बड़गुजर। उन्होंने आकर पहले प्रेयर करवाई, फिर अटेंडेंस लेने के बाद सबका परिचय पूछी और उसके बाद पढ़ाना शुरू की। उनके बाद बाकी के टीचर्स भी आकर लेक्चर लेने लगे। सीमा मैम ने हमें बताया कि वे ही हमारी क्लास टीचर रहेगी। दोस्तों, धीरे धीरे कारवा आगे बढ़ता गया। कॉलेज के बाकी छात्रों से मेरी पहचान बढ़ती गई। बाकी के विद्यार्थी क्लास में एक दूसरे से बातें करते और मौज मस्ती करते, मगर मैं चुपचाप बैठा रहता था क्योंकि मेरी हैसियत मुझे पता थी और मैं उस हद को लांघना नहीं चाहता था। मेरी मानसिकता बन गई थी कि बाकी के विद्यार्थी बड़े घर के हैं, मैं ही सिर्फ गरीब हूँ, इसलिए मैं उनसे दूरियां बनाकर रहना ही बेहतर समझ रहा था। मैंने फिल्मों में अमीर बच्चों की दादागिरी देखी थी, इसलिए मुझे डर भी लग रहा था। लेकिन मेरी कॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर जो हमदर्दी मुझे मिली थी, वह हमदर्दी मुझे पहले कभी भी नहीं मिली थी। नयन यानी एडमिशन के वक्त जो लड़का मुझे मिला था, वह भी अब कॉलेज आने लगा था। हम दोनों एक ही जिले के होने की वजह से एक ही बेंच पर बैठने लगे। धीरे धीरे सभी विद्यार्थियों को मेरी परिस्थिति के बारे में पता चला और अब सभी छात्र मेरे साथ आत्मीयता से पेश आने लगे और हमेशा प्यार से बात करने लगे थे। एक श्वेता सावंत नाम की छात्रा की तो बात ही अलग थी। वह नॉर्मल घर से तो ताल्लुक रखती थी, मगर मेरे लिए उन्हें बहुत हमदर्दी थी। मुझे हमेशा अच्छी सलाह देती थी। वह इतनी मिलनसार प्रवृत्ति की थी कि हमेशा किसी से भी खुलकर बात करती थी। इतना ही नहीं, जब मैं क्लास में एंट्री करता तब वह जोर से मोहन जी कहकर बुलाती थी। उनकी वजह से बाकी विद्यार्थी भी मुझे मोहन जी के नाम से बुलाने लगे थे। श्वेता जी ही नहीं, बाकी के भी छात्र मेरे साथ आत्मीयता से पेश आने लगे थे। सारी कक्षा के विद्यार्थी एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद भी करते थे। इतने मिलनसार और अच्छे विद्यार्थी मैंने अब तक के जीवन में नहीं देखा था। जब मैं अकेला बैठा रहता तब कोई न कोई आकर मेरे पास बैठ जाता और मेरी आपबीती मुझसे पूछने लगता और सांत्वना देता कि
एक बार डीएड कंप्लीट हो जाए फिर सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। इस तरह की हमदर्दी पाकर मैं बहुत खुश था। टीचर्स भी अब मेरे साथ अच्छा बर्ताव करने लगे थे क्योंकि उन्हें भी मेरी परिस्थिति का पता चल गया था। अब मुझे लगने लगा था कि मैं अच्छे से डीएड पूरा कर पाऊंगा और अपना सपना पूरा कर पाऊंगा। कॉलेज शुरू होने को लगभग 1.5-2 महीने पूरे हो चुके थे। अब मुझे धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि बिना पैसा कमाए मैं अपना खर्चा नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि अब धीरे धीरे खर्चे बढ़ते जा रहे थे। बुक्स के खर्चे तो थे ही, साथ ही साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए जाने लगे थे जो हमें घर से पूरा करके लाना होता था। उसके लिए सामान खरीदना पड़ता था। डीएड एक प्रशिक्षण होता है जिसमें टीचिंग कैसे करते हैं यह सिखाया जाता है, और उसमें अधिकतर प्रैक्टिकली ही काम किया जाता है। केवल किताबी पढ़ाई करके पास करना संभव नहीं था, इसीलिए प्रैक्टिकल करना जरूरी था। इन्हीं बातों से मैं परेशान था, और तभी एक दिन टीचर ने अनाउंसमेंट की कि अब आपको स्टेशनरी के 2,500 रुपये भी जमा करने होंगे। तब तो मेरी चिंता और बढ़ गई। दोस्तों, इसके बाद मैं क्या फैसला लेता हूँ यह देखने के लिए इंतजार कीजिए मेरी अगली वीडियो का। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। زخموں سے ہے سانسیں بھری।